जिस भी असो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ज्या ज्या वेळा मी येतो त्या त्या वेळा मलयाळी मधून मी संदेश देत होता और जब जब मैं यहाँ पर आया हूँ मैं मलयाळम में यहाँ पे संदेश दिया है। तरी आज मला असं वाटलं की म्हणजे मराठी मध्ये संदेश सांगावे और मुझे आज ऐसा लगा की आज मैं मराठी में संदेश बोलू। आपण सर्वांना माहिती आहे की मी महाराष्ट्रीय नवे और आप सबको पता है कि मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ। मराठी मध्ये सांगत असता बोलत असता काहीतरी म्हणजे गेलत म्हणजे तिकडे इकडे झाले असता आपण कृपा करून क्षमा करा आणि नोंद करून ठेवा आणि मला सांगा। और मैं महाराष्ट्रीय न होने के कारण अगर मैं मराठी में कुछ शब्द गलत बोल दू तो मैं पहले से उसकी क्षमा मांगता हूँ। आप वो लिख के रखना और फिर आप मुझे बताना। मला मराठी भाषा फार आवडते आणि महाराष्ट्र फार आवडते। महाराष्ट्रामधला क्लायमेट संस्कार जेवण सर्व मला आवडते और मुझे मराठी भाषा बहुत अच्छी लगती है। महाराष्ट्र भी बहुत अच्छा लगता है और महाराष्ट्र के जो संस्कार है वो भी अच्छे लगते हैं और महाराष्ट्रीयन खाना भी मुझे अच्छा लगता है। आणि मी गावी असता आपण सर्वांची आठवण करता और जब मैं गांव में था मैं आप सबको याद करता था। काही नवीन चेहरा आज पाहिलेला आहे तुम्हाला देखील मी आठवण करणार और आज कुछ नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं मगर आप सबको भी मैं याद रखूंगा। आज कशाला मी मराठी मध्ये बोलते एक हेतु आहे और आज मैं मराठी में प्रचार करने का एक उद्देश्य है। असं आहे की जो संदेश आज सांगणार आहे त्या संदेश बरोबर आपला व्यक्तिमत्व देखील समाविष्ट झालीच पाहिजे असं आहे माझा इच्छा। और आज जो संदेश मैं बताने जा रहा हूँ उस संदेश में हमारा खुद का पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व जो है उसके अंदर दिखाई देना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। प्रभु आपल्यावर अधिक प्रेम करतो और प्रभु हमसे अधिक प्यार करता है। आपण प्रत्येकांच्या द्वारे प्रभुला काहीतरी विशेष योजना आहे और हम सबके बारे में परमेश्वर की विशेष योजनाएं है। आपण प्रत्येक व्यक्ती परमेश्वरासमोर प्रामुख्य व्यक्ती आहे और हम में से हरेक व्यक्ती परमेश्वर के सामने बहुत ही विशेष ऐसे है। कदाचित आम्हाला असं वाटणार की अरे कोण माझा काळजी घेणार आणि माझ्याबद्दल कोण काळजी करतात आणि असं असं विचार सदैव आमच्या मनातून येणार जाणार। और बहुत बार हम ऐसा इस प्रकार सोचते हैं कि मेरी चिंता कौन करेगा और मेरी जो भी जरूरत है उसके बारे में कौन सोचेगा। इस प्रकार के विचार हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे। देवाचं वचन काय म्हणतात ज्यांच्या अपराधांची क्षमा झाली आहे ज्यांच्या पापावर कांगळून घातलेला आहे तो धन्य आहे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं कि जिसके पाप क्षमा हो गए हैं और जिसका अधर्म का पलटा प्रभु ना ले वो धन्य है। म्हणून आपण प्रत्येक व्यक्ती धन्य व्यक्ती आहे और हम में से हर एक व्यक्ती धन्य है। आज पवित्र शास्त्रातला पहिला वचन मी वाचून त्या वचनातून संदेश देता और आज पवित्र शास्त्र का जो पहिला वचन है उसके बारे में आज हम मनन करेंगे। आपण सर्वांना माहिती आहे त्या वचन काय आहे और हम सबको पता है कि वो वचन क्या है। ठीक है ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ ही देवा ने आकाश व पृथ्वी की उत्पन्न के लिए और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। ये वचन म्हणजे मराठी मध्ये थोडासा म्हणजे अर्थ थोडासा मिळून गेलेला आहे और मराठी में अगर हम पढ़ेंगे तो उसका अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। इंग्लिश मध्ये असं आहे की इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन्स अँड अर्थ असं आहे। हेवन्स म्हणला म्हणजे अनेक स्वर्ग आहे असं आहे और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स। हेवन्स ये पद जो लिखा गया है कि एक स्वर्ग नहीं स्वर्गों को मतलब बहुत सारे स्वर्ग यहाँ पर लिखा गया है। अगर दोन कार्य परमेश्वर निर्माण केला
और यहाँ पर परमेश्वर ने दो बातों का निर्माण किया या उत्पत्ति किया, तुम्हारा समझो ना रहा और आप लोगों को समझ गए है कि स्वर्ग, दूसरा है कि पृथ्वी, और सबसे पहला है कि स्वर्ग और दूसरा है पृथ्वी। सर्वांनी ऐकले ना, जे स्वर्ग अदृश्य है और स्वर्ग जो है वो अदृश्य है आणि अविनाशी है और वो नाश न होने वाला है। अदृश्य अविनाशी है, इट इज स्पिरिचुअल, म्हणजे आध्यात्मिक है, ठीक है ना, और वो आत्मिक है। हाँ, काय काय है, तीन कार्य सांगितलं है कि नहीं, काय काय है, अदृश्य अविनाशी आणि आध्यात्मिक। और स्वर्ग जो है वो अदृश्य है, वो अविनाशी है और आत्मिक है। तरी पृथ्वी कसे है, और पृथ्वी कैसी है, दृश्य है, वो दृश्य है, नश्वंत है और वो नाश होने वाली है, संसारिक है, संसारिक और वो संसारिक। आपण भाषा दुसरा करिंथक्रास पत्र चौथा अध्याय चार अध्याय आणि 18 वचन, और दुसरा करिंथियों की पत्री उसका चार अध्याय और उसका 18 पद, और हम तो देखे हुए वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इथे सांगितलेलं आहे दिसणारा सर्व कार्य क्षणिक आहे, तर ना दिसणारा कार्य सार्वकालिक आहे। और यहाँ पर 18 पद में इस प्रकार का है कि जो हमारे दृष्टि से दिखाई देती है वो नाश होने वाली है, मगर जो हमें ना दिखने वाली जो वस्तुएं है वो अनंतता की है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोन कार्य अपन और दो चीजों की उत्पत्ति को हम यहाँ पर देखते हैं, स्वर्ग आणि पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी। आणि कशाला स्वर्ग आणि पृथ्वी परमेश्वर निर्माण केला, और परमेश्वर ने स्वर्गों को और पृथ्वी का निर्माण क्यों किया? आम्ही स्वर्ग अदृश्य आहे और स्वर्ग जो है वो अदृश्य है। दिसणारा कार्याद्वारे स्वर्गातला विषय आम्ही समजून घ्यावे म्हणून परमेश्वर असंच केलेलं आहे। और जो दिखाई देने वाली बातें है उसके द्वारा जो अदृश्य स्वर्ग है उसको समझ लेना चाहिए, इस कारण परमेश्वर ने स्वर्ग को अदृश्य बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। म्हणजे दिसणारा, म्हणजे आमचा परमेश्वर एक पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है, हे कोण सांगितलं, और ये स्वर्गातून एक व्यक्ति आला, और ये किसने बताया, जो स्वर्ग से आया उसने बताया, स्वर्गातून कोण आला और स्वर्ग से कोण आया, तोच आहे की इमानुएल, और वही है इमानुएल। जे प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता, शब्द देव होता, और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, आणि शब्द देह ही झाला और वचन बरोबर वस्ती केला, वचन देहधारी हुआ और हमारे साथ वास किया। जे जो व्यक्ति देवास होता तो येऊन आम्हाला सांगितलं की स्वर्गात एक पिता आहे, और जो परमेश्वर के साथ था वो आकर हमें इस प्रकार कहता है कि स्वर्ग में हमारा एक पिता है। म्हणून मतेश वर्तमान 6 अध्याय आणि 9 वचनामध्ये सांगितलेलं आहे, तुम्ही असं प्रार्थना करा, हे आमच्या स्वर्गातील बापा। और मते उसके 6 अध्याय और उसके 9 पद में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हुई जो प्रार्थना है उसमें इस प्रकार कहता है कि हमें इस प्रकार प्रार्थना करना है कि हमारे स्वर्गीय पिता। जुन्या करारामध्ये यहोवा परमेश्वर असा या रीतीने लोकांनी परमेश्वराबद्दल समजून घेत होता, और पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में यहोवा परमेश्वर इस प्रकार से संबोधित करके
इस्राएल लोग उसे जानते थे, सर्व निर्माण करणारा परमेश्वर और सब निर्माण करने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सर्व शक्तिमान परमेश्वर, पाप केला असता पापांची शिक्षा देणारा परमेश्वर और पाप की सजा देने वाला परमेश्वर, कोणी पाहिलेला नाही और किसी ने न देखा हुआ परमेश्वर, तरी प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवास होता, म्हणजे देवा बरोबर वस्ती केलेला जो येशू ख्रिस्त जगात येऊन आम्हाला सांगितला की स्वर्गामध्ये एक पिता आहे, और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर के साथ रहा हुआ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर हमें बताता है कि स्वर्ग में हमारा एक पिता है। केवल काही तरी निर्माण संपूर्ण अखिल पृथ्वी निर्माण के करणारा केवल नवे तर तो एक पिता है, और वो केवल पृथ्वी का निर्माण करता है ऐसा नहीं, तो वो हमारा पिता भी है। मी पहिल्यांदा रहता असताना हे मुली आहे ना फार लहान लहान बाळ होता, और जब मैं पहले आता था तो ये जो लड़कियां सामने बैठी वो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं। अच्छा थोड़ा सा मोटी झाली ऊंच झाली, ठीक है ना, म्हणजे हिला एक बापा है कि नहीं, और अभी वो बड़ी हो गई और उसका कद भी बड़ा हो गया और उसके एक पिता भी है। म्हणजे पिता म्हणला म्हणजे अंतकरणातील कळवळा आहे, है कि नहीं, और पिता अगर हम कहते हैं तो अपने हृदय में बहुत प्रेम है, घरातल्या सर्वांची काळजी घेते और घर में जो जो व्यक्ति है उन सब का वो ध्यान रखते हैं, घरातला सर्व कार्याबद्दल जबाबदारी आहे और घर में हर एक बातों की उनको जिम्मेदारी है, घरातील काहीतरी लागणार आहे सर्व कार्य सर्व कार्यांच्या जबाबदारी त्याने घेणार, और घर में जो जो बातों की जरूरत है उन सब बातों लाने की जिम्मेदारी पिता लेता है। तिथे जीवनाचा संबंध आहे और वहां पर जीवन का संबंध है, कुछ के लोग वडील आणि मुला असा संबंध आता है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पिता बैठे हैं और उनके बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोघांचे संबंध काय आहे, जीवनाचा संबंध आहे, और उन दोनों के बीच में क्या संबंध है तो जीवन का संबंध है। हे कोण सांगितला, स्वर्गातून आलेला व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्त सांगितला, और ये किसने बताया तो स्वर्ग से आया हुआ प्रभू येशू मसीह ने बताया, आणि येशू ख्रिस्त अजून एक कार्य सांगितला काढा, म्हणजे योहान कृत शुवर्तमान चौथा तीसरा अध्याय 31 वचन, योहान उसका तीसरा अध्याय और उसका 31 पद, जो वर येतो तो सर्वांचा वर आहे, जो पृथ्वी पासून झाला तिसरा अध्याय 12 वचन वाचा, योहान उसका तिसरा अध्याय उसका 12 पद, मी पृथ्वीच्या गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या असता तुम्ही विश्वास धरत नाही, तिथे 13 वचनात सांगितलेलं आहे स्वर्गात स्वर्गाहून उतरलेला व स्वर्गात असलेला मनुष्याचा पुत्र ह्याच वाजून कोणी स्वर्ग चढून गेला नाही, और स्वर्ग से उतरा हुआ और स्वर्ग में गया हुआ मनुष्य के पुत्र में से और दूसरा कोई नहीं गया। आम्हाला स्वर्गा विषयाबद्दल अधिक ज्ञानी भी नाही, अधिक इच्छा नाही आणि अधिक आशा नाही, और स्वर्ग के बातों के बारे में हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, इच्छा नहीं और आशा भी नहीं है। कारण का है क्यों, अभी
देहामध्ये शरीरामध्ये जपतो त्यामुळे क्योंकि हम एक शारीरिक अवस्था में जीवन बिताते हैं इस कारण एवढंच नव्हे आम्ही शरीरामध्ये जपतो वी आर लिविंग इन दिस बॉडी इन दिस मॉर्टल बॉडी और हम इस मरणहार शरीर में हम जीवन बिताते हैं इस कारण ऊपर जो स्वर्ग है उसके बारे में हमें कोई इच्छा नहीं है कोई आशा नहीं है ये हमारे शरीर माती आहे और ये हमारा जो शरीर है वो मिट्टी है कारण देवाने मातीतून आम्हाला घडला और क्योंकि प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया हमें समझून घेतली पाहिजे की ये शरीर काय आहे माती आहे और ये हमारा शरीर जो है वो मिट्टी है कुठे सांगितलेला आहे और कहां पर लिखा हुआ है उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये आहे और उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा हुआ है बघा उत्पत्ति दुसरा अध्याय आणि सातवा वचन उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसका सात पद मग परमेश्वर देवाने जमिनीतील मातीचा मनुष्य घडिला व त्याच्या नाकपुड्यात प्राणवायू फुंकिला म्हणून आमचे शरीर काय आहे माती आहे और हमारे जे शरीर है वो मिट्टी है त्यामुळे आहे आम्हाला या जगाबरोबर एक प्रेम आहे और इस कारण हमें ये संसार से प्रेम है कारण माती माती और प्रेम करता क्योंकि मिट्टी मिट्टी से प्यार करता है विसरू नका भूलो मत काय आहे शरीर ये शरीर क्या है आम्ही सकाळी उठून चांगला साबून वापरून अंघोळ करणार म्हणजे सकाळी आम्ही अंघोळ करणार चांगला साबून वापरून आणि पेरान लावली लावणार किंवा हे की नाही म्हणजे मला एवढंच माहिती आहे दुसरा म्हणजे सुगंधित वस्तूचे नाव मला माहित नाही त्यामुळे फक्त फेरान लावली बद्दल माहिती आहे म्हणून सांगितलं हम सुबह उठकर नहाते हैं और ये जो मिट्टी का जो शरीर है उसे साबुन लगा के उसके अच्छा स्वच्छ करते हैं तरी आम्ही जे ज्ञानपूर्वक समजून घेतले पाहिजे की हे काय आहे माती आहे और हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि और ये समझ रखना है कि जिस शरीर में हम रहते हैं वो तो मिट्टी है तरी आम्ही केवळ माती नव्हे देवाने आम्हामध्ये एक मानवी आत्मा निर्माण केलेला आहे और केवळ मिट्टी है ऐसा नाही है तर हम में मनुष्य का आत्मा परमेश्वर ने निर्माण किया है प्रेज द लॉर्ड म्हणजे कसा आत्मा निर्माण केले और वो आत्मा हमें क्यों दिया गया आमचे शरीर जगा बरोबर संबंध ठेवणे करिता और ये हमारा शरीर इस संसार के साथ व्यवहार करने के लिए या संबंध रखने के लिए तर आत्मा कशाला और आत्मा किसके लिए देवा बरोबर संबंध ठेवणे करिता आम्हामध्ये एक मानवी आत्मा आहे और परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य का आत्मा मनुष्य के अंदर डाल दिया तेरी पापामुळे आमचा आत्मा निर्जीव झाला और पाप करने मनुष्य ने पाप करने के कारण मनुष्य का जो आत्मा है वो एक मृत अवस्था में चला गया आत्मा है सर्वांच्या सर्व लोकांच्या मध्ये आत्मा है और हर एक मनुष्य में आत्मा है तेरी कार्य करत नाही और फिर भी वो कार्य या काम नहीं करता तरी त्यामुळे आहे म्हणजे जगातला लोक वेगळं वेगळं म्हणजे मेनी रिच्युअल्स का रिच्युअल्स काहीतरी परंपरा उदाहरण फूल घालणे म्हणजे जाडावर धुरी घालणे रूढी परंपरा करतात और ऐसा होने के बावजूद भी मनुष्य क्या करता है कि अपने रूढ़ी परंपरा के अनुसार कार्य करता रहता है तरी आम्ही समजून घेतली पाहिजे की योहान तीसरा अध्याय काढा तिथे दिलेला आहे म्हणजे शरीरातून जन्मलेला शरीर आहे आणि आत्मापासून जन्मलेला आत्मा आहे जे देहापासून जन्मले ते देह आहे आणि जे आत्म्यापासून जन्मले ते आत्मा आहे योहान उसका तीसरा अध्याय और उसके छह पद में लिखा है कि
शरीर से जन्मा शरीर है और आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। आणि त्यामुळे एक व्यक्ती प्रभु येशू ख्रिस्ताला तारणारा म्हणून स्वीकार केला असता एक भयंकर एक चमत्कार विषय प्रत्येक व्यक्ति मध्य उत्पन्न होता। और जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु करके स्वीकार लेता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। काय है वाचा? रोम क्रास पत्र 8:16 रोमियो की पत्री उसका 8 और उसका 16 पद। तो आत्मा स्वतः अपने आत्मा बरोबर साक्ष्य देतो की आपण देवाची मुले आहोत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा खुद हमारे आत्मा के साथ यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। देवाच्या आत्मा आमच्या आत्मा मध्ये येतो आणि आमच्या आत्मा बरोबर एकत्र होतो। और परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा के अंदर आके वो मनुष्य के आत्मा के साथ मिल जाता है। आणि आमच्या जीवन नसलेल्या आत्म्याला जीवंत करतो। और हमारा जो मनुष्य का आत्मा मृत अवस्था में था उसे जीवन प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। आणि तिथे तीन कार्य शुरू होतात। और वहां पे तीन कार्य की शुरुआत होती है। काय काय तुम्हाला माहिती आहे? और वो क्या क्या है आपको पता है? अंतर्ज्ञान, सत्सद वेगभाव आणि सगबादीला। ते कोणी बोलत नाही भाई, विसरले का? आप भूल गए क्या जब मैं पिछले बार आया था तो बताया था? वो बोल तीन कार्य फिलिपियों की पत्री उसका 3 आमच्या आत्मा मध्ये तीन कार्य शुरू होतात। काय? अंतर्ज्ञान, सत्सद वेगभाव वेगबुद्धी आणि सगबाग्य। तीन कार्य काय काय आहे? म्हणजे पुरुषापैकी कोणीतरी बोला, ज्यांना माहिती आहे त्यांनी बोल। पूर्वी मी 2-3 वेळा इथं तुम्हाला शिकवलेला कार्य आहे आणि इथं पुष्कळ देवाच्या दास येऊन या विषयी सांगितलेलं आहे, विसरू नका। या विषयी एक महान कार्य आहे। पुरुषापैकी कोणी बोलू शकते का? नाही तर इथे सिस्टर कोणीतरी सिस्टर एक सिस्टर उच्च रीतीने बोलणार आणि सर्वांनी ऐकून घेणार, सर्वांनी विसरू नका। म्हणजे म्हणजे आपल्या मनात ठेवा, लक्षात ठेवा। बोल ना, बोल। म्हणजे इंग्लिश मध्ये नाही, मराठी मध्ये। तुम्ही बोल। अंतर्ज्ञान, सद्वीर बुद्धी, सर्वीय बुद्धी नव्हे, सर्वीय भाव, सहभागी, सहभागी। सर्वांनी ऐकले का? पुन्हा सांगा। अंतर्याम, सद्वीर बुद्धी आणि सहभागीता, सहभागी। प्रेज द लॉर्ड। या रीतीने एक आश्चर्यकारक विषय आमच्या आत्मामध्ये घडलेला आहे। और इस प्रकार का आश्चर्यजनक कार्य हमारे आत्मा के अंदर हुआ है। आम्ही रोमग्रास पत्र 8:6 असा आम्ही वाचतो की तू रोमियो की पत्री रोमग्रास पत्र 8:16 रोमियो की पत्री 8 उसका 16 पर आपण कोण आहे और हम कौन है? म्हणजे स्वर्गातून जन्मला आम्ही और हमारा जन्म स्वर्ग से हुआ। देव माझा पिता झाला और परमेश्वर मेरा पिता हुआ। बघा, म्हणजे मी स्वर्गाबद्दल सांगितलं, स्वर्ग कसे आहे? अदृश्य आहे, है की नाही? आणि अनश्वर आहे आणि काय आहे? आध्यात्मिक आहे। बघा, और स्वर्ग के बारे में अभी मैंने आपको कहा है कि स्वर्ग जो वो अविनाशी है और अदृश्य है, अविनाशी है और आत्मिक है। भाई सुनो, जाने जाने प्रभु येशू ख्रिस्ताला स्वीकारले तो व्यक्ति कौन है? आत्मिक आहे
आणि स्वर्गीय व्यक्ती आहे. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो एक आत्मिक और स्वर्गीय है. वाचा फिलिप्पीकरण पत्र तीसरा अध्याय 20वां वचन. फिलिप्पियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसका 20 पद. आपले नागरिकत्व तर स्वर्गीय आहे, तेथून प्रभु येशू ख्रिस्त हाताळणार असा येईल याची आपण वाट पाहू. प्रेज द लॉर्ड. बघा प्रियांनो, कोणीतरी मराठीमध्ये वाचा, एक व्यक्ती वाचा, बाकी सर्वांनी मागे बोल. 20वां वचन फक्त. आपले नागरिकत्व तर स्वर्गात आहे, तेथून प्रभू येशू ख्रिस्त हा तारणारा येणार आहे, त्याची आपण वाट पाहत आहोत. बघा आपलं नागरिकत्व कुठं झाली? विसरले. आम्ही प्रत्येक व्यक्ती शारीरिक रीतीने किंवा म्हणजे दैहिक रीतीने बघितलं असता आम्ही प्रत्येक व्यक्ती भारतीय व्यक्ती आहे की नाही? और दैहिक रीति से अगर हम देखते हैं तो हमारा नागरिकत्व भारतीय है. तसे कारण काय? तुम्ही कसं भारतीय झाला? और आप भारतीय किस प्रकार बने? आम्ही भारतामध्ये जन्म झाल्यामुळे आम्हाला एक भारतीय नागरिकत्व उपलब्ध झाला. और हमारा जन्म भारत में हुआ, इस कारण हमें भारतीय नागरिकत्व मिला है. तसे आहे, आम्ही प्रभु येशू ख्रिस्ताला स्वीकारला, तारणारा म्हणून स्वीकारल्यामुळे आम्ही कोण झाली? स्वर्गीय नागरिकत्व. और प्रभु येशू मसीह को हमारा उद्धार करता स्वीकारने की वजह से हमारा नागरिकत्व अब स्वर्गीय बन गया. तरी पण आम्ही कोण? प्रत्येक व्यक्ती कोण आहे? आम्हाला स्वर्गीय नागरिकत्व मिळालं आहे. और हमारे स्वर्गीय नागरिकत्व मिला है. आणि प्रभु येशू ख्रिस्त आमच्या डोळे उघडले. और प्रभु येशू मसीह ने हमारी आंखें खोल दी. आध्यात्मिक डोळे उघडले लोग आहो आम्ही. और हम जो है वो हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई है. उघडले का? और खुली हुई है क्या? आध्यात्मिक डोळा उघडला असता आम्ही एक विषय पाहणार. और जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है तो हम एक विषय को देखेंगे. इफिसकरास पत्र दूसरा अध्याय. इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय. तिथे एक विशेष हमारा पाहायला मिळते की, और वहां पर हम इस प्रकार देखते हैं, 7वां वचन और उसका 7 पद. यासाठी की ख्रिस्त येशूच्या खाई त्याच्या तुमच्या आमच्यावरील ममतेच्या द्वारे येणाऱ्या युगात त्याने आपल्या कृपेची अपार समृद्धी दाखवावी. स्वर्गात बसवलेलं आहे असे शब्द. दुसरा मराठीमध्ये. आणि ख्रिस्त येशूच्या खाई त्याच्याच बरोबर उठवले व त्याच्याच बरोबर स्वर्गात बसवले. किती वचन आहे? 6 वचन. बघा सर्वांनी बघा, इफिसियों पत्री दुसरा अध्याय 6 पद. इथे असं सांगितलेलं आहे, ख्रिस्त येशू मध्ये त्याच्यासह उठवले आणि त्याच्यासह स्वर्गलोकी बसविले. और प्रभु येशू मसीह में हम जिलाए गए और उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए. प्रियानो ऐका, आम्ही फक्त रविवारी इकडे येतात किंवा मध्ये इकडे येतात चर्च, म्हणजे असं म्हणतात की आम्ही चर्च मध्ये गेला. और हम संडे को आते है या बाकी के दिनों में भी आते है और हमें इस प्रकार कहते है की हम चर्च गए. आम्ही कुठलाही धर्माचे लोक नव्हे. और हम किसी जाती या किसी धर्म के लोग नहीं है. कुठलाही म्हणजे पंथाचे लोक नव्हे. और किसी पंथ के हम लोग नहीं है. तर कोण आहे? और हम कोण है? आम्ही ख्रिस्ता बरोबर स्वर्गात बसलेले आहे. और हम प्रभु येशू मसीह के साथ स्वर्ग में बैठाए गए है. कोण म्हणतात? ऐसे कोण कहते है? देवाचे वचन म्हणतात. और परमेश्वर का वचन कहता है. हे वचन कधीही न बदलणारा वचन आहे. और ये ना मिटने वाला परमेश्वर का वचन है. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून आता तुम्ही कुठे आहे? और आप कहां पर हो? आम्ही स्वर्गीय लोक आहोत. और हम स्वर्गीय है. ख्रिस्ता बरोबर स्वर्गात देवाने आम्हाला बसवलेला. और प्रभु येशू मसीह के साथ हमें स्वर्ग में बिठाया है. हे आम्ही विश्वास ठेवली पाहिजे आणि
असा आचरण केलीच पाहिजे और हमें इसके इस बात के ऊपर विश्वास भी रखना है और उसके अनुसार कार्य भी करना है। तरी आम्ही तात्कालिक निघत आहे और फिर भी हम इस नाश होने वाले संसार में रहते हैं। म्हणून आहे आम्ही इथे परदेशी सरका आहे और यहाँ पर हम एक परदेशी है कारण आमचा नागरिकत्व कुठे आहे? स्वर्ग आहे क्योंकि हमारे नागरिकत्व जो है वो स्वर्ग में है जिथे आम्ही तिथे देवाने तुम्हाला बसवले आहे और वहां पर परमेश्वर ने हमें बिठाया आहे तरी तात्कालिक आहे और कुछ दिनों के लिए इस संसार में हम रहते हैं आणि परदेशी सरकार और हम एक परदेशी है थोड़े दिवस और थोड़े दिनों के लिए दुसरा करिंथकरास पत्र चौथा अध्याय मध्ये अजून एक वचन असं सांगितलेलं आहे दुसरा करिंथियों की पत्री उसके चार अध्याय में इस प्रकार एक वचन है 16 और 17 पद दुसरा करिंथियों 4 अध्याय 16 और 17 पद रोमक्रास पत्र 8वा अध्याय रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय आणि 18 वचन और उसका 18 पद तर मग आपल्यासाठी जे गौरव प्रकट होणार आहे त्याच्या पुढे सांसर काळाची दुःखे काहीच नाही असे मानतो सापरत काळी काय आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये काय आहे और वर्तमान काल में क्या है तो दुख है और भविष्य काल में क्या है तो महिमा है प्रिय नायिका इथे वचन सांगितलेलं आहे और यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है रोमक्रास पत्र 8वा अध्याय 18 वचनामध्ये और रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 18 पद में आम्ही स्वर्गीय लोक आहो म्हणून त्या दृष्टिकोनात सांगितलेलं आहे और हम स्वर्गीय इसको मध्य नजर रखते हुए कहा हुआ है We are citizens of heaven. हम स्वर्गीय नागरिक है आणि त्या दृष्टिकोनामध्ये इथे सांगितलेला आहे हम स्वर्गीय नागरिक होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है तर मग आपल्यासाठी जे गौरव प्रगट होणार आहे त्याच्या पुढे संप्रत काळाची दुःख काहीच नाही असं मी मानितो और हमें जो महिमा मिलने वाली है उसके सामने आज की जो हमारा कष्ट है वो कुछ भी नहीं है इस प्रकार कहा गया है आमच्या जीवनामध्ये तात्कालिक दुःख असणार और क्षणिक कष्ट हमारे जीवन में रहेंगे तरी आम्हाला गौरव ठेवलेला और फिर भी हमारे लिए महिमा रखा हुआ है त्या गौरव तात्कालिक नव्हे और वो हमें मिलने वाली जो महिमा है वो थोड़े दिनों की नहीं है क्या गौरव सर्वकालिक है और वो अनंतता की महिमा है इतत कदाचित तुम्हाला कष्ट संकट असणार और यहाँ पर आपको दुख और कष्ट रहेगा जैसे इतने कष्ट संकट सोचतो तसे आमचा गौरव वाढत 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 जाणार और जितना कष्ट हम इस संसार में रहते हुए दुख सहन करते रहेंगे इसी प्रकार हमारी महिमा बढ़ती 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 जाएगी प्रेज द लॉर्ड हमें प्रभु येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्यामुळे और प्रभु येशू मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा कदाचित आमच्या जीवनामध्ये दुख कष्ट संकट आला असेल और हमारे जीवन में दुख और संकट आया होगा फिलिपकरास पत्रामध्ये एक वचन आहे और फिलिपियों की पत्री में इस प्रकार एक वचन है केवळ त्याच्यावर विश्वास ठेवावे इतकंच नव्हे हे की नाही तर कुठला वचन आहे एक पहिला अध्याय 29 पद और फिलिपियों की पत्री उसका पहिला अध्याय उसका 29 पद त्याच्या वतीने दुःख आला तर काय आहे अनुग्रह वाटतो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला समजा
और हम अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो विश्वास रखने के द्वारा उसके साथ हमें दुख भी आएगा और वो दुख सहन करने का हमें एक वरदान दिया गया है। उदाहरण कदाचित आम्ही विश्वास ठेवल्यामुळे नवरा सांगितला चला माझ्या घरातून बाहेर जावा असं सांगितलं। एक स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखती है तो शायद उसका पति कहता है कि तू मेरे घर से निकल जा, तरी काय आहे आशीर्वाद आहे और फिर भी हमें आशीष है, तरी काय म्हण त्या वेळा काय म्हणायचं और उस समय हमें क्या कहना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, रडू नकोस, रोना ना मत। आम्ही देवाची स्तुति केला असता नवऱ्याला पण आश्चर्य वाटणार और जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तब हमारा जो पति है वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। कदाचित म्हणजे नवरा विश्वास ठेवल्यामुळे बायको देखील तसं करणार कदाचित, और कदाचित इस प्रकार उल्टा भी हो सकता है कि जब पति है वो अगर विश्वास में आता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार उसकी पत्नी कर सकती है। बायको म्हणाली बघा आज पासून संबंध तुटले, और पत्नी इस प्रकार कहते हैं कि आज से तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म, तुम्ही यह रास्ता नहीं मी यह रास्ता, आप उस मार्ग में और मैं इस मार्ग में, तर क्या बनाएगा उस समय क्या कहना है कि प्रेज लॉर्ड, माझा आशीर्वाद स्वर्गात वाढलेला आहे और मेरा जो आशीष या मेरा जो महिमा है वो स्वर्ग में बढ़ गया, माझा प्रतिफल वाढलेला आहे और मुझे मिलने वाला जो प्रतिफल है वो बढ़ गया है, माझा गौरव वाढलेला और मेरा महिमा बढ़ गया है। देवाच्या वचनात तसं लिहिलेलं आहे और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। माझा पढ़ो पहिला पेत्र चौथा अध्याय 12 वचन, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद, प्रिय जन हो तुमची पारख होण्यासाठी जी अगली परीक्षा तुमच्यावर आली आहे तिच्यामुळे आपल्यास काही अपूर्व झाले असे वाटून त्याचे नवल मानू नका। प्रेज द लॉर्ड। आणि आता 13 पण वाचा, तुम्ही ख्रिस्ताच्या दुःखाचे वाटेकरी झाला आहात त्याअर्थी आनंद करा, म्हणजे त्याचा गौरव प्रकट होण्याच्या वेळेसही तुम्ही उल्लास व आनंद करा। प्रेज द लॉर्ड। तिथे सांगितलेलं आहे कदाचित तुमच्या जीवनामधील कष्ट आला असेल, हो सकता है कि आपके जीवन में कष्ट आया होगा, तर जे काळजी करू नका और उसकी बारे में आप चिंता मत करना, आनंद करा उसके बारे में, आप आनंद करना, कारण काय आहे और उसकी वजह क्या है, एक दिवस प्रभु येशु ख्रिस्त प्रगट होईल और जब प्रभु येशु मसीह आएगा त्यावेळेला तुम्ही आनंद करणार और उस समय आप भी आनंद करोगे, उल्लास करणार और बहुत ही आनंद करोगे, हे काहीतरी साधारण कार्य नव्हे और ये साधारण बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बघा इथे पण आहे दुसरा एक वचनात असं सांगितलेलं आहे पहिला पेत्र पहिला अध्याय पहिला पत्रस उसका पहिला अध्याय आणि 6-7 वाचा 6 और 7 वचन पढ़ो। तुम्ही आता थोड़ा वेळ पर्यंत जरूर पडले तसे पुष्कळ परीक्षांमुळे दुःख सोशिले, पण तुम्ही त्या काळाविषयी आता उल्लास करीता, तुम्ही यासाठी सोशिले की नाश होणाऱ्या सोन्याची परीक्षा अग्निने करीता, त्या सोन्यापेक्षा मूल्यवान असे जे तुमच्या विश्वासाचे परीक्षित उतरणे त्यापासून प्रशंसा गौरव व मान प्रेज द लॉर्ड। प्रभु येशू ख्रिस्ताचा प्रगट होईल त्यावेळा तुम्हाला 3 प्रतिफळ मिळेल म्हणून ते सांगितले, 3 कार्य आहे प्रतिफळ, और जब प्रभु येशु मसीह प्रकट होगा तो हमें 3 प्रतिफल मिलने वाला है, काय काय आहे बघा और वो क्या क्या है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रशंसा गौरव आणि मान, और प्रशंसा और सन्मान और महिमा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। म्हणून 8 वचनात काय सांगितलेलं आहे और 8 वचन किस प्रकार कहता है, ज्याला पाहिले नसता त्याच्यावर तुम्ही प्रीती करता, आता तो दिसत नसता त्याच्यावर विश्वास ठेवता, आणि त्या विश्वासाचा शेवट म्हणजे आपल्या जीवांचे तारण उपभोगी आणि निर्वाच्य गौरवयुक्त आनंदाने उल्लास करता। प्रेज द लॉर्ड। दादा आनंदाने उल्लास करता, खरा ख्रिस्ती लोक तसे आहे,
और मसीह लोग वैसे है क्योंकि वो उसमें भी आनंद करते हैं, कारण काही तरी तात्कालिक कार्यामध्ये नाही आमचे विश्वास, और हमारा जो विश्वास है वो क्षणिक बातों के लिए या थोड़े से बातों के लिए थोड़े समय के लिए नहीं है। आम्ही विश्वास ठेवलेला कार्य सार्वकालिक आहे, और हम जिस काम के ऊपर विश्वास रखा है वो अनंतता का काम है, आणि अनिश्चय कार्यामध्ये आहे, और नाश न होने वाला काम है, कभी ही नाश होणार नाही असं कार्यामध्ये आहे, और कभी भी उसका नाश नहीं होगा, प्रतिफल कभी ही नाश होणार नाही, और हमारा प्रतिफल कभी नष्ट न होगा, म्हणून आम्ही धन्य लोक आहोत, और इस कारण हम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। असं लोकांच्या विषयाबद्दल परमेश्वर साक्षी देता, और इन ऐसे जो मनुष्य है उसके बारे में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, इब्रिलोगास पत्र 11 अध्याय 16 वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 16 पद, पण ते अधिक चांगल्या देशाची म्हणजे स्वर्गीय देशाची उत्कंठा धरितात, त्यामुळे देवाला त्यांची लाज वाटत नाही, त्यांचा देव मनावयास तो लाजत नाही, त्याने त्यांच्यासाठी नगर तयार केले आहे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वांनी ऐकले का? सर्वांनी वाचले? सर्वांनी मिळून पुन्हा वाचा त्या 16 वचन। इथे काय सांगितलेलं आहे, स्वर्गीय राज्याबद्दल आम्ही उल्खंड धरला असता त्यामुळे देवाला त्याची लाज वाटत नाही असं, और उस स्वर्गीय देश की हम अभिलाषा रखने के कारण परमेश्वर हमारा परमेश्वर कहना से कहलाने से नहीं लज जाता। प्रेज द लॉर्ड। जे परमेश्वर म्हणतात की हे माझा मुलगा आहे, आणि परमेश्वर इस प्रकार कहता है ये मेरा बेटा है, त्यांच्या बद्दल मला आनंद आहे, और इसके बारे में मुझे आनंद है, त्यांच्या बद्दल मी प्रशंसा करतो, और इसके बारे में मैं आनंदित होता हूँ। सब प्रभु त्यांच्याबद्दल सांगण्याकरिता कधीही प्रभूला लाज वाटत नाही, और उसके बारे में बोलने के लिए प्रभु को कभी लज्जाता नहीं, कारण काय आहे और उसकी वजह क्या है, स्वर्गीय कार्याबद्दल लक्ष ठेवला, और वो स्वर्गीय बातों की वो अपेक्षा रखता है, इच्छा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हाला माहिती आहे की अब्राहमच्या घरी सदैव म्हणजे वेदी होता, और वेदी आणि यज्ञार्पण, और अब्राहम के घर में हर समय वेदी के ऊपर अर्पण किया जाता था, वेदी होता आणि वेदी बरोबर यज्ञार्पण, और अब्राहम के घर में वेदी रहती थी और उस वेदी के ऊपर यज्ञ का अर्पण किया जाता था। त्याने पुढे राहतात त्याने एक तंबू मध्ये राहत होता, और अब्राहम जो है वो तंबू में रहता था, तंबू तात्कालिक, और तंबू जो है वो क्षणिक है, तरी म्हणजे सर्वशक्तिमान परमेश्वराची उपासना करण्याकरिता तयार केलेला वेदी स्थिर, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए तयार किया हुआ जो वेदी है वो स्थिर, इस प्रकार स्थिर प्रकार की वेदी है। तरी त्याने तुम्हाला समजले, आपला आपण सर्वांनी इथे आहे, आठवण इथे आहे, चिंता इथे आहे ना, कुठे गेलं नाहीये ना, बघा अब्राहमच्या घरी काय आहे, वेदी आहे, और अब्राहम के घर में वेदी है, वेदी मध्ये त्याने अर्पण करता, और उस वेदी पर वो यज्ञ का अर्पण करता है, जुन्या करारातला कार्य आहे, और वो पुराने नियम में इस प्रकार है, या अर्पण प्रभु येशु ख्रिस्ताची प्रतीक आहे, और वो जो अर्पण किया जाता है वो प्रभु येशु मसीह की छाया है, येशु ख्रिस्ताची असे आहे का प्रतीक, येशू ख्रिस्ताची प्रतीक आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताचं प्रतीक, और वो प्रभु येशू मसीह की छाया आहे, आणि त्याने कुठे राहतात, और अब्राहम कहा रहता था, तात्कालिक आहे, तंबू म्हणजे तात्कालिक आहे, और वो क्षणिक है, सर्वांनी तंबू बघितले का, और तंबू आप सबने देखा होगा, एक एक काठी असणार आहे की नाही, एक काठी काढला असता संपूर्ण तंबू घेऊन जाऊ शकता,
और एक लकड़ी निकालने के द्वारा पूरा तंबू उखड़ जाता है और उसको हम समेट के लेके जा सकते हैं। तरी अब्राहम आणि इसहाक बरोबर तंबू मध्ये राहता असताना देखील त्यांच्या अंतःकरणातील एक कार्य होता। और अब्राहम जो है इसहाक और याकूब के साथ तंबू में रहते समय उसके दिल में एक इच्छा रहती थी। इच्छा नवे एक उत्कृष्ट कार्याचा प्रकटीकरण होता। उत्कृष्ट कार्याचा प्रकटीकरण त्यांच्या अंतःकरणात होता और उसके मन में एक बहुत ही अच्छा जो काम होने वाला है उसका प्रगटीकरण था। ओके वाचा इब्री लोगास पत्र 11 अध्याय 9 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 9 पद। विश्वासाने तो वचनाच्या देशात परदेशात राहावे त्याप्रमाणे जाऊन राहिला, त्याच वचनाचे सोबती वारिस इसहाक व याकोब यांस बरोबर डेऱ्यात त्याची वस्ती होती। प्रेज द लॉर्ड। कुठे राहतात? अंतकरणात काय आहे? दस वचन पढ़िए, दस में लिखा हुआ है। कारण ज्याला पाय आहे त्याचा योजनारा व बांधणारा देव आहे अशा नगराची तो वाट पाहत होता। प्रेज द लॉर्ड। सर्वांनी लक्ष ठेवले का? प्रेज द लॉर्ड। त्याने अब्राहम कुठे राहतात? त्यांच्या अंतकरणात। आणि त्या स्वर्गीय दर्शन काय काय आहे? त्या नगर कसं बनवलेलं आहे? नाही, देवाने पाया घातलेला, देवाने बांधलेला घर अंधकारात आहे। और अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ नाश होने वाला उजड़ जाने वाला तंबू में रहता था, मगर उसके हृदय में या उसके मन में एक स्वर्गीय विचार था कि उस वो नगर की बाढ़ जोता था जो स्वर्ग से आने वाला है और जिसका रचने वाला, जिसका बनाने वाला परमेश्वर है और वो नगर भी स्वर्गीय है। प्रेज़ द लॉर्ड। परदेशी और ये है परदेशी, यह है म्हणजे ख्रिस्ती विश्वासांचा एक म्हणजे म्हणजे ज्यांचा नागरिकत्व स्वर्गात आहे त्यांच्या अंतःकरणातला प्रकटीकरण तसे आहे। और जिसका नागरिकत्व स्वर्गीय है उसके मन में भी ये सब बातें होते है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हाला माहिती आहे विनाकारातील एक रूत आहे और पुराने नियम में हम एक रूत को देखते हैं। रूत परदेशी होती और रूत जो थी वो परदेशी थी। ती परदेशी सरकार आहिला और एक परदेशी की समान उसने जीवन बिताया। परदेशी सरकार जीवन रहिला और परदेशी समान उसने जीवन बिताया। परदेशी सरकार काम केला और एक परदेशी के समान उसने काम किया। तर शेवट काय झाला और उस आखिर में क्या हुआ? असे आहे की ज्या शेतामध्ये ती म्हणजे सर्वा गोळा केली त्या शेताच्या मालकीन झाली और जिस खेत में वो काम करने या मजदूरी करने जाती थी आखिर में उसी खेत की वो एक मालकीन हो गई। प्रेज द लॉर्ड। एक काहीतरी कादंबरी नव्हे और ये कथा कहानी नहीं है, सच्ची कहानी आहे और ये सत्य वचन है। असे आहे आम्ही पण तत्काल इथे परदेशी सरकार आहे और उसी प्रकार यहाँ पर हम जब काम करते हैं वो सब क्षणिक है। तर स्वर्गीय कार्याबद्दल आम्ही विश्वास ठेवला असता आम्ही प्रभु येशू ख्रिस्ताबरोबर राज्य करणार और वो स्वर्गीय बातों के ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं तो प्रभु येशू मसीह के साथ इसी पृथ्वी पर हम राज्य भी करेंगे। त्या वेळा स्वर्ग आणि पृथ्वी एकत्र होणार और उस समय स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे। स्वर्गाचे राज्य पृथ्वी मध्ये प्रभु स्थापना करणार और जो स्वर्ग का राज्य है वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रस्थापित करेगा। आम्ही ख्रिस्ताबरोबर सह राजा म्हणून राज्य करणार और प्रभु येशू मसीह के साथ राजा होकर हम राज्य करेंगे। या विषयाबद्दल प्रभु येशू ख्रिस्त सांगितलं और इसके बारे में प्रभु येशू मसीह इस प्रकार कहते हैं। योहान के वर्तमान योहान रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला अध्याय एक्कावन वचन और उसका 51 पद। आणखी तो त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, आकाश उघडलेले आणि देवदूतांना चढताना व मनुष्याच्या पुत्रावर उतरताना तुम्ही पहाल। आमेन। हे आहे
इथे स्वर्ग आणि पृथ्वी एकत्र झाल्या और यहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी एक बन गए। स्वर्ग आणि पृथ्वी बरोबर संबंध झाला और स्वर्ग का पृथ्वी के साथ संबंध हुआ। स्वर्गाचा अधिकार पृथ्वी मध्ये चालवित आहे और स्वर्ग का जो अधिकार है वो पृथ्वी पर होए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। त्या वेळा आम्ही पण ख्रिस्ता बरोबर इथे राज्य करणार और उस समय हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तरी आम्ही स्वर्गीय कार्याबद्दल सदैव विश्वास अत्यंत गरज आहे और इस कारण स्वर्गीय बातों के ऊपर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, आपण सर्वांना प्रभु सहाय करो और हम सबको प्रभु सहाय करे आणि आपण ऐकलेल्या वचनावर पवित्र आत्मा अधिक विस्तार प्रकटीकरण द्यावे असं मी प्रार्थना करतो और सुना हुआ वचन के बारे में प्रभु और भी प्रकाशन आपको दे इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। अजून प्रभु अवसर दिला असता आपण आपला भेट होण्यासाठी मी इच्छितो और प्रभु अगर चाहे तो फिर से एक बार मिलने की मेरी इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बहुत सरल रूप में हमें एक बात को खास करके आनंददा का बात है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रीति में प्रकाश करके दिया। अभी जो भी बताया वो कभी भूलेगा नहीं है ना, कितना अच्छा रीति में सिखाया। अभी भी अगर नहीं समझेगा तो प्रियम वास्तव में प्रभु में विराट पाने के बाद में प्रभु सबका पिता नहीं है लेकिन नया जन्म पाया लोगों का पिता है। अभी हमारे लिए हम बहुत हिम्मत के साथ अबा पिता कह सकता है क्योंकि उसके लिए पिता प्रभु ने हमें पुत्र तो क्या आत्मा दिया है, लेकिन जो उधार नहीं पाया वो अबा पिता बोलेगा तो सड़क में जाने वाले व्यक्ति को मानव एक बच्चा खड़ा धड़क कर डाड़ी डाड़ी बोलेगा तो हाँ बेटे बोलेगा जरूर, पर जो संपत्ति बांटने के टाइम मैं भी आपको डाड़ी बोल मैं आपको डाड़ी बोला था, आपने आप बेटे बोला था, आप मेरे को संपत्ति का एक बार भगाएंगे उससे भगाएंगे कि नहीं। हाँ, तो इसलिए जो भी नया जन्म पाया है उसको हिम्मत है, वो अबा पिता कह गए। और दूसरा बात क्या है, जैसे अभी आपने देखा अब्राहम तंबुओं में रहता था, उनका उनका दृष्टि का अमर था स्वर्ग का मार्ग। आज हमारा जीवन में हम यात्रा में हम परदेशी है, हमारा अपेक्षा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आनंददा की बात है ना, स्वर्ग का बात है, क्योंकि हम स्वर्ग का नागरिक है और वास्तव में प्रभु के वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है, हमें मसीह के साथ जिलाया और स्वर्ग के स्थानों में बैठाया। सच बात है कि नहीं, प्रभु का वचन में लिखा है तो वो सच बात है, विश्वास करना हमारा कर्तव्य है। अभी अब्राहम को प्रभु ने बोला आकाश को देखो, क्या देखो, तारागण को देखो। तारागण को देखने के बाद में अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला, इस रीति में तेरा संतान होगा, बोला ना। अब्राहम ने क्या किया, विश्वास किया। संतान का नहीं समझा, संतान का नहीं। अब्राहम तेरा नाम अरे अब्राहम था, अभी अब्राहम बोलते है बहुत जातियों का पिता, एक भी बच्चा है क्या, मेरे को देगा। मेरे प्रभु ने मुझे वायदा दिया है, मेरा प्रभु का वचन सच है। एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, पांच साल के बाद वो क्या बोलेगा, पक्का भागने ऐसे थोड़ी होता है। प्रभु ने वायदा दिया है तो फिर जल्दी देना चाहिए ना, है अभी पांच हो गया, दस हो गया, बीस हो गया, नहीं मिला तो प्रभु का वचन कभी भी वो बोलता है मेरा नाम अब्राहम है, मैं बहुत जातियों का पिता है, उन्होंने विश्वास किया। वो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हमें मालूम है हम प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा है, तो हम अभी काम रहे, अभी काम रहे, नहीं अभी इजी है ना नासी की पे लेकिन हाँ, परंतु प्रभु ने हमें मसीह के साथ दिला करके स्वर्गीय स्थान में बैठाया, एक दिन हम प्रभु के साथ मिलेगा, ये बात पक्का है, ये विश्वास कभी नहीं टलेगा, क्योंकि ये प्रभु ने हमें दिया हुआ वचन है। आज हम परदेशी यात्रा में है तो हमारे जीवन में उस यात्रा में हमेशा उस स्वर्गीय हो, जिस व्यक्ति को उस स्वर्गीय नागरिक मिला है, जिस व्यक्ति को नए जन्म का अनुभव मिला है, उसको जरूर प्रभु ने वो दर्शन भी दिया है। मैं आपको पक्का बताता हूँ, अभी ये छोटा सा समय हम लोग प्रभु के खातिर जितना भी अगर कष्ट सगे निंदा सगे ये सब महिमा में बदलने वाला है, पर हम प्रभु के साथ राज करने वाला है,
सर्व अजय साहब के राज्य में नहीं अनंत काल का राजा है। कितना बड़ी बात है तो प्रियो, हमारा जीवन में प्रभु को कितना हमारे स्तुति करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का बड़े अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ। उद्धार पाने के बाद में प्रभु का जरूर ये जीवन में बाकी सारे दुनिया के लोगों से बढ़कर हमें कष्ट तकलीफ है, पर दो नुकसान है नहीं, फायदा है, सब हमारे फायदा के लिए। पर दो अभी दुनिया भी शायद हमारा मजाक उड़ाता होगा, लेकिन हमको मालूम है ये सब पढ़ाई में प्रभु बदलेगा। आइए अपने आगे बंद करें, प्रभु ने बहुत सुंदर रीति में प्रभु के दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया, बहुत सुंदर रीति में प्रभु का वजह एकदम सरल रूप में प्रभु ने समझाया। प्रियो स्वर्ग नरक साथी है, प्रियो स्वर्ग है और नरक भी है। अभी जीते जीते मैं स्वर्ग का नागरिक बनकर जीना हरेक लोगों का कर्तव्य है। यदि हम अभी नहीं ऐसा कार्य किया, कदम नहीं बढ़ाया, प्रियो निश्चय वो धोखा खाएगा। तो इसलिए मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ ये बात का पक्का यकीन करके, नया जन्म का अनुभव पाकर, प्रभु की आत्मा पाकर, आत्मा का गवाही में हमारा गवाही अनेक दिन हमारे दिल में सुनते हुए प्रभु का महिमा करना हमारे कर्तव्य है। ये समय प्रभु ने हमें अच्छा वचन के द्वारा बात किया, वो वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करें, प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।